स्वागत है आपका अन्नदाता न्यूज चैनल पुंडरी में, और कोऑपरेटिंग विद आवर यूट्यूब चैनल ओन क्लासेस पुंडरी, हम आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं 8.1 प्रश्नावली, जिसका विषय है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, और चतुर्भुज हमारे पास 5 प्रकार की होती है। समलंब, इसमें है आपके पास समलंब, समलंब के बाद है आपके पास समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उसके बाद है आपके पास सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के बाद हमारे पास आयत और वर्ग। ये 5 प्रकार की चतुर्भुजों के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर www.youtube.com/om-classes-pundri पर जाकर आप देख सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज को विस्तार पूर्वक वहाँ बताया गया है। तो अभी हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की कुछ प्रमेय हैं, इन्हें कर लेते हैं। पहली प्रमेय हमें करनी है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होती है। ये हमें बताना है, सिद्ध करना है कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमने मान ली एक चतुर्भुज, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। और दिया क्या है, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर। सम्मुख मीन्स आमने सामने की, यानी ए बी के सम्मुख कौन से हैं, बी सी, और ए डी के सम्मुख कौन है, बी सी। ये आपको दिया है, जो बात दे रखी है वो है आपको दिया है ए बी बराबर है, ए बी बराबर है डी सी, और ए डी बराबर है बी सी। ये दो बातें आपको दे रखी है। जो हमें सिद्ध करना है यानी प्रमाण हम करेंगे, प्रमाण तो देखिए, जब चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करते हैं, इसमें एक बार ए को आप सी से मिला लो, इस प्रकार से रचना हमने कर दी यहां पर, बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाओ, बिंदुओं को ए को बिंदु सी से मिला दिया तो ए सी रेखाखंड हमें प्राप्त हो गया। अब दो त्रिभुज हैं आपके पास ऊपर और नीचे, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। आप देखते हैं कि ए डी बराबर है बी सी के, तो ए डी बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी, और ए बी बराबर है डी सी, ए बी बराबर है डी सी, ये दोनों बातें आपको दे रखी है, तो ये दिया है होगा। इसके अलावा जो ए सी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में है, ऊपर वाली में भी और नीचे वाली में भी, जो दोनों में कॉमन होती है, दोनों में एक जैसी होती है, उसे सांझी भुजा या फिर उभयनिष्ठ, या फिर उभयनिष्ठ या फिर सांझी भुजा हम कहेंगे। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगी त्रिभुज ए डी सी के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब उनका प्रत्येक कोण संगत कोण के बराबर रहेगा। तो यहां से अगर आप देखें तो कोण ए, देखिए ए ए डी के सामने वाला कोण, कोण सी, और बी सी के सामने वाला कोण, कोण ए, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है
ए डी और बी सी बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ से सी पी सी टी द्वारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो इसे मान लो कोण एक, इसे मान लो कोण दो, कोण एक बराबर है कोण दो के। इसी प्रकार से बीसी के सामने कोण है ये कोण तीन और एबी के सामने कोण है कोण चार, कोण तीन बराबर है कोण चार के। इसको यहाँ लिख लेते हैं और कोण तीन बराबर है कोण चार के, यानी संगत भाग इनके ये बनते हैं क्योंकि यहाँ ए भी बराबर है डी सी दिया था तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, वही इसके संगत कोण बनते हैं। तो अगर आप देखें ए बी और डी सी दो भुजाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी ए और सी प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं समांतर होती है। आपने देख लिया कि एक बराबर है दो के, कोण एक बराबर है दो के, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों भुजाओं को ए सी प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात इन दोनों एकांतर कोण अगर बराबर है तो दोनों भुजाएं ये समांतर होगी। अतः जब एक बराबर है दो के तो ए बी भुजा समांतर है डी सी भुजा के। इसी प्रकार जब तीन बराबर है चार के तो ये जो एकांतर कोण है बराबर हो गए, दो भुजाएं हैं ये, इनको एक भुजा ए सी प्रतिच्छेद कर रही है और ये दोनों कोण इसके ये तीन और ये चार एकांतर कोण बन जाते हैं। ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों भुजाएं समांतर हैं, जब एकांतर कोण बराबर है तो भुजाएं समांतर होती हैं, इसका मतलब ए डी समांतर है बी सी के। और जब सम्मुख भुजाएं समांतर है तो उसे क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये है आपका पहली बात बता दी, जब सम्मुख भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक युग सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगी, ये आपका सिद्ध हो चुका है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, यदि एक चतुर्भुज की के सम्मुख कोण बराबर है, वहां पर भुजाओं की बजाय आपके पास आ जाएगा यदि कोण बराबर है सम्मुख कोण अर्थात एक बराबर है दो के और तीन बराबर है चार के, अर्थात यहां बनता है सम्मुख कोण आपका कोण एक कोण ए ये पूरा पूरा बराबर है कोण बी के और सॉरी कोण सी के, ऐसे ही कोण बी बराबर है कोण डी के। यदि ये कोण बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज होगी। तो देखिए इसे हम दो से भाग कर देते हैं, कोण ए बटे दो और कोण सी बटे दो, कोण ए का आधा क्या है कोण तीन, क्योंकि विकर्ण जो है पूरे कोण को समद्विभाजित करता है दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस एक कोण का आधा करेंगे तो कोण तीन आ सकता है, तीन और एक दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से कोण सी का जब आधा करेंगे सी पूरा कोण है, आधा करेंगे तो दो भी आ सकता है चार भी आ सकता है, दोनों बराबर हैं तो ये कोण चार लिख लेते हैं। अब देखिए कोण तीन बराबर है कोण चार के, ये हमने सिद्ध कर दिया, और दोनों कैसे हैं दोनों हैं एकांतर कोण हैं, दो भुजाएं हैं ए डी और बी सी को ए सी प्रतिच्छेदी रेखा है और एकांतर कोण बराबर है, जब एकांतर कोण बराबर है तो भुजाएं समांतर होंगी, तो यहां से सिद्ध हो जाता है आपका ए डी समांतर है बी सी के। इसी प्रकार से जब ये किया था आपने कोण ए का आधा हम कोण एक ले सकते हैं और कोण सी का आधा कोण दो ले सकते हैं, तो जब दो भुजाएं जो ए बी और डी सी गई हुई हैं इनको एक भुजा ए सी प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके और दोनों के एकांतर कोण कोण एक और कोण दो एकांतर कोण बराबर बनते हैं,
दोनों भुजाएं ये समांतर होगी, इसलिए यहाँ से ए बी समांतर है बी सी। ये आपका सिद्ध हो जाता है भुजाएं समांतर। जब चारों समुख भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो उसे कहेंगे हम समांतर चतुर्भुज। इन सब को इकट्ठा करके बोल देंगे आप ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हो जाते हैं और ये प्रमेय आपके सिद्ध हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रमेय का उपयोग करते हैं। ये अगर प्रमेय को आप अच्छे समझ जाओगे तो आपके सामने कोई भी प्रश्न इन प्रमेय वाली एक्सरसाइज का नहीं अटकेगा। एक इसमें है आपके पास थर्ड जो पार्ट मैंने लिखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं, नाम ले लिया ए बी सी और डी, ये है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण कौन से हो गए, ए सी और बी डी। मान लिया ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित अर्थात ओ ए बराबर है ओ सी और ओ बी बराबर है ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। ये है साध्य। और समांतर चतुर्भुज दी है तो करते हैं प्रमाण। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, एक समांतर चतुर्भुज हमने ले ली जो कि ए बी सी डी है, तो इसमें क्या देखते हैं हम, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, हमें करना है ये दोनों बराबर। चलिए सम्मुख भुजा ले लेते हैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ओ डी ए व त्रिभुज ओ बी सी में, इन दो त्रिभुजों का उपयोग करते हैं। तो आप क्या देखेंगे, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, बी सी समांतर है क्योंकि बी सी समांतर है ए डी के, तो एकांतर कोण इसे मान लिया एक, इसे मान लिया दो, तो एकांतर कोण, इसलिए एकांतर कोण एक बराबर होगा एकांतर कोण दो के, कारण क्या हुआ एकांतर कोण, जब भुजाएं समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ इसे मान लो कोण तीन और ये कोण चार, तो कोण तीन बराबर होगा कोण चार के, ये भी एकांतर कोण। इसके अलावा ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, ए डी बराबर है बी सी भुजा के, क्योंकि क्या है ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। देखिए दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, इसीलिए त्रिभुज ओ डी ए सर्वांगसम हो गई त्रिभुज ओ बी सी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी द्वारा समांतर त्रिभुजों का संगत सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है,
कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी इक्वल, उसके आधार पर हम कहेंगे कि प्रत्येक भुजा बराबर होगी अर्थात OD बराबर हो गई OB के, इसी प्रकार से OA बराबर हो गई OC के, जो हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इजीली हम कर सकते हैं, एक दो बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। ये था आपका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अर्थात दो समान भागों में बांटते हैं। इसी को हम 90 डिग्री वाला भी कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आयत के का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत क्या होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री की हम बात करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये लीजिए, यहाँ ले लेते हैं हम आयत। आयत क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, एक कोण 90 डिग्री का, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी आयत की और एक कोण 90 डिग्री का। हमें सिद्ध करना है कि सारे कोण जो है इसके वो 90-90 डिग्री के होंगे। हमारा साध्य है जो हमें सिद्ध करना है वो है कोण ए बराबर है कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी प्रत्येक 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं प्रमाण। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, क्योंकि ये निशान क्योंकि का है, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी के और ए बी इन्हें यानी इन दोनों रेखाखंडों को प्रतिच्छेदित करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो समांतर भुजाओं को एक भुजा एक रेखा खंड प्रतिच्छेद करता है तो उसके संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए आपका, यहाँ पर बी, इसीलिए संगत कोण ए जमा कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री। अब कोण ए का मान आपको दे रखा है, कोण ए बराबर 90 डिग्री ये दिया है, इसका उपयोग करेंगे। एक ही जगह 90 जमा कोण बी बराबर है 180, इधर आके माइनस का कोण बी का मान भी आ जाएगा 90 डिग्री, समीकरण एक। अब क्योंकि ये क्या है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होती है, क्योंकि ए बी सी डी आयत होने के साथ साथ है कि ये समांतर चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज है। आयत कब बनी, आयत जब बनी जब ये समांतर चतुर्भुज थी, पहले समांतर चतुर्भुज थी उसके बाद ये आयत बनी, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है इसीलिए सम्मुख कोणों का बराबर होंगे, कोण बी बराबर होगा कोण डी के और कोण बी का मान 90 है तो कोण डी भी हो जाएगा 90 डिग्री, और सम्मुख कोण कोण ए के सामने कौन सा है, कोण सी वो भी हो जाएगा 90 डिग्री। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी प्रत्येक हो जाता है 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो ये क्या करवाया आज हमने, बेसिक आधार इंट्रोडक्टरी, ये लेक्चर था आपका चैप्टर 8 के लिए, 8वें अध्याय के लिए चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुजों के बारे में बताया गया है, आप होम क्लासेस पुंडरी पर जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और उसके बाद ये जो 3-4 थ्योरम मैंने करवाई हैं ये भी अच्छे से समझ लेनी है, आपकी भविष्य क्लासों में ये बहुत काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।